गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट एट वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट एट वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 पे है, क्वेश्चन नंबर है 17। कह निम्नलिखित फलों के लिए रोले के प्रमेय की अनुप्रयोगिता पर विचार करें। क्या आप इस उदाहरणों से रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं? चलिए हम लोग दोनों बातें देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो एफ एक्स बराबर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ कह रहा है कि x बिलोंग्स करता है माइनस वन से लेकर टू तक, बंद अंतराल है ना जी। अच्छा, इसके लिए हमें देखना है। तो चूंकि एफ एक्स एक बहुपद फलन है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल माइनस एक कॉमा दो में संतत और खुला अंतराल माइनस एक कॉमा दो में अवकलनीय है। तो ये दो बातें तो हो जा रही है। अब चलिए हम लोग वैल्यू निकाल के देखते हैं एफ माइनस वन का। तो हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर वन और वन में से वन गया जीरो। चलिए एफ टू का, तो हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस वन, दो का स्क्वायर चार, चार में से एक घटेगा तीन। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एफ माइनस वन बराबर नहीं है एफ टू के। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें सत्य हो गई, ये तीसरा शर्त सत्य नहीं हो पा रहा है। अतः रॉल्स थ्योरम अनुप्रयोगी नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे इसके विलोम के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अच्छा, चूंकि आपके पास एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, विलोम के बारे में मैं बता रखा हूं, इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बता रखा है विलोम मतलब कि आपको उल्टा करना होगा, आपको बता रखा है विलोम के बारे में, अभी समझ में आ जाएगा। f डैश x बराबर में 2x आ गया। अच्छा चलो, अब देखो यहाँ लिखेंगे रॉल्स थ्योरम के विलोम से हमें क्या लेना होगा, तो f डैश c बराबर जीरो, उल्टा चलेंगे अब की बार। तो f डैश c बराबर जीरो गए तो 2c बराबर जीरो और c बराबर जीरो बाई टू, यानी कि c का वैल्यू जीरो आ गया, और जीरो जो है आपका बिलोंग कर रहा है ना माइनस वन से टू के बीच में मिल रहा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि एफ माइनस वन बराबर नहीं है एफ टू के, तो विलोम के लिए भी सत्य नहीं है। अतः रॉल्स थ्योरम के विलोम भी सत्य नहीं है। समझ गया ना बात को? चलिए, क्लियर हो गया, चलते हैं। चलो इसका सेकंड नंबर देखो, ये महत्तम मान फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। चूंकि एफ एक्स एक महत्तम मान फलन है तो आपको पता है कि यह संतत नहीं होता है और अवकलनीय भी नहीं होता है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल किसी भी अंतराल के लिए 5.9 में संतत नहीं है और ना ही खुला अंतराल 5.9 में अवकलनीय है, ना ही संतत है और ना ही अवकलनीय है। तो यहां तो रॉल्स थ्योरम का ऐसे ही प्रयोग नहीं होगा, इसलिए रॉल्स थ्योरम
अनुप्रयोगी नहीं है, अनुप्रयोगी अनुप्रयोगी नहीं है। अच्छा, अब इसके विलोम के बारे में बात करें तो भैया यार अवकलनीय ही नहीं है तो उसका हम लोग एफ डैश सी कैसे निकालेंगे? ठीक है, चूंकि फलन, चूंकि एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, इसलिए इसलिए रॉल्स रॉल्स थ्योरम के रॉल्स थ्योरम का प्रतिलोम प्रतिलोम इसके बारे में तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते, प्रतिलोम सत्य नहीं है, क्योंकि हम लोग उसका आप एफ डैश सी निकालना होगा जो कि निकलना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यह अवकलनीय नहीं है, तो चेक करने की क्या जरूरत है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस यहाँ पे माध्यमान प्रमेय की जांच करनी है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के लिए माध्यमान प्रमेय की अनुप्रयोगिता की जांच करनी है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, चलिए बहुपद फलन है ना पहला, चूंकि एफ एक्स एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल आपका क्या है 1.2, बुक में सुधार ले लेना, ये अंतराल आपका गड़बड़ दिया है 1.2 में संतत और खुला अंतराल 1.2 में अवकलनीय है, अवकलनीय है, ठीक है, संतत और अवकलनीय है, तो संतत अवकलनीय हो गए तब तो यहाँ पे हम लोग माध्यमान प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं माध्यमान प्रमेय अनुप्रयोगी है, एप्लीकेबल है, अनुप्रयोगी है, सॉरी अनुप्रयोगी है, माध्यमान प्रमेय अनुप्रयोगी है। अब माध्यमान अनुप्रयोगी है, अच्छा एफ वन का वैल्यू बताओ, तो भाई वन का स्क्वायर माइनस वन यानी कि आ जाएगा आपका जीरो, और एफ टू का वैल्यू तो हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर चार, चार में से एक गया आपका तीन। अच्छा अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ एक्स बराबर क्या दिया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना जी, चलिए तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा आपका टू एक्स, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे बाई मीन वैल्यू थ्योरम, माध्यमान प्रमेय मीन वैल्यू थ्योरम, एफ डैश सी बराबर में एफ टू माइनस एफ वन बटा में टू माइनस वन, इसका वैल्यू यहाँ से टू सी हो जाएगा, बराबर में एफ टू का वैल्यू ऊपर है हमारा थ्री और एफ वन का वैल्यू है जीरो बटा में वन, यानी कि टू सी बराबर में थ्री, सी बराबर में थ्री बटा टू, तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है आपके किसके किसके बीच में, तो एक और दो के बीच में, यहाँ से यह सत्यापित हो गया और हमने देख लिया कि ये एप्लीकेबल है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो और तीन दोनों एक ही जैसे है, ये देखो महत्तम मान फलन है, चूंकि दो या तीन कोई भी ये देख सकते हो, चूंकि एफ एक्स एक महत्तम मान फलन है, महत्तम मान फलन है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल -2.2 में संतत नहीं है, अच्छा संतत नहीं है और ना ही खुला अंतराल -2.2 में अवकलनीय है, तो ना ही संतत है ना ही अवकलनीय है, इसलिए माध्यमान प्रमेय अनुप्रयोगी नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरह ये सेम अगला भी वही है, सेम बना देना आप,
अगला क्वेश्चन देखो ना, ये तो बहुत ही सिंपल है। कह रहा है इसमें निम्नलिखित फलों के लिए माध्यमन प्रमेय का सी निकालेंगे, गलत दिया, थीटा नहीं होगा, ये दोनों बन जाएगा। इस तरह का हम लोग बहुत क्वेश्चन बना लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर कि माध्यमन प्रमेय का प्रयोग करके साबित करें कि वक्र वाई बराबर 2x² - 5x + 3 पर बिंदु ए 1.0 और बी 2.1 के बीच एक ऐसा बिंदु है जहां स्पर्श रेखा जीवा ए बी के समांतर है, तो उस बिंदु को भी निकालिए। तो वही समांतर वाला कंडीशन आ गया, मीन वैल्यू थ्योरम वाला आ गया, तो हम लोग वही कर लेंगे। चलिए देखिए इसको मैं समझो, तो मैं आपको ऐसे लिख दूंगा तो आप आसानी से बना सकते हो। माना एफ एक्स, इसको एफ एक्स मान लो वाई को, यानी कि यहां से क्या थोड़ा साफ क्लीन लिख दो। चलिए मैं यहां पर वाई को ना एफ एक्स मान लेता हूं, यानी कहने का मतलब 2x² - 5x + 3, समझ गए ना। और पॉइंट यहाँ पे पता है कहाँ दिया है, पॉइंट आपका यह हो जाएगा 1.2, इन दोनों के x नियामक, इन दोनों के x नियामक को ले लो, बस बना देना है, बनना जाएगा, दोनों के x नियामक को ले लो। अब यहाँ पे आना, आपको मीन वैल्यू थ्योरम से बना लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, चूंकि एफ एक्स एक बहुपद फलन है, सेम वही काम कर दो, बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, इसलिए इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल 1.2 में संतत और खुला अंतराल 1.2 में अवकलनीय है, ठीक है, सिंपल बात है। अब देखो संतत अवकलनीय है, अब यहां से अब आप सोचोगे कि सर F1 का वैल्यू चाहिए ना, F1, तो आप समझो ना F1 का वैल्यू यही है, ठीक है, या x का वैल्यू है, ये y का है, कहने का देखो मतलब समझो, ये जो आपके पास दिया ना समीकरण, ये जो वक्र, तो मान लो ये ऐसा कोई वक्र होगा। अब इस वक्र पर एक बिंदु यहां पर है 1.0 और एक बिंदु है 2.1, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के समांतर एक और रेखा गई होगी यहां से, जो इसको कहीं पे किसी बिंदु पर छुड़े, तो इसी बिंदु के नियामक भी निकालने हैं आपको। तो समझ रहे हो ना, मैंने कंडीशन आपको समझा रखा है। तो यहाँ एक्स नियामक और इसके भी एक्स नियामक को लिए हैं, वही अंतराल हो गया आपका, ठीक है। और एक पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। आप नहीं विश्वास है तो आप इसमें रख के देख लो ना, एक रख के देख लो 2 - 5 + 3, तो 3 - 5 = 0। अच्छा F2 2 रखने पे क्या है 1, मैं रखने नहीं जा रहा हूं, मैं इसी से मैं लिख दे रहा हूं, समझ गए ना बात को। चलिए तो यहां पे ये वैल्यू हो गए। अब देखो चूंकि आपके पास Fx दिया है, Fx 2x² - 5x + 3, इसको अब डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यहां से F'x बराबर में 4x - 5। अब लिखेंगे बाई मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम से क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर में F2 - F1/2 - 1। तो एफ डैश सी इसमें रखेंगे ना, तो हो जाएगा आपका 4c - 5, यहाँ पे F2 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0 और बटा में 2 में से बन गया 1, यानी कि 2c - 5 = 1, ये जाके उधर जुड़ जाएगा, 2c = 6, यानी c = 6/2, कट के 3, c का वैल्यू 3 आ गया, और 3 बिलोंग नहीं करे आपके 1 और 2 के बीच में, चलिए c का वैल्यू 3 आ गया, तो इसलिए c = 3 पर y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका एफ एक्स वाले वैल्यू में रख देंगे 3 है ना जी, सॉरी 4 है ना, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, 4 था, मैंने 2 लिख दिया था, सॉरी माफ करना इसके लिए। चलिए 4c = 6 हो गया, c = 6/4 कट गया, 3/2 है, c का वैल्यू 3/2, और ये बिलोंग्स कर रहा है आपके 1 और 2 के बीच में। चलिए जब c = 3/2 आ गया, तो y बराबर आपके पास जो दिया हुआ है उसमें रख देंगे, क्या दिया हुआ है y बराबर में, तो y बराबर दिया है 2x² - 5x + 3, यहाँ पर रख देंगे y 2 × 3/2² - 5 × 3/2 और प्लस में 3। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो y बराबर में
टू इंटू नाइन बाई फोर माइनस का 15 बाई टू प्लस का 3, ये कट जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, 2 9 माइनस 15 प्लस में 6, तो 9 6 15, 15 में से 0 बट्टा 2 यानी कि 0। इसलिए अभीष्ट बिंदु जो था, हमें जो अभीष्ट बिंदु निकालनी थी, अभीष्ट बिंदु क्या आ जाएगी, तो x का मान यानी कि c का मान 3 बाई 2 और यहाँ y का मान 0 आया, तो अभीष्ट बिंदु 3/2, 0 हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम है, आगे के 22 नंबर भी इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। y दिया हुआ है, बिंदुएं दी हुई हैं, तो इसे मैं मान लेता हूँ, माना y बराबर में एफ एक्स, यानी कि यहाँ से एफ एक्स बराबर में हो जाएगा x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3, और कहाँ पे, तो एट 2, 3 अंतराल यह हो जाएगा। अब इस पर नहीं चेक कर सकते, चूंकि एफ एक्स एक बहुपद फलन है, इसलिए एफ एक्स बंद अंतराल 2, 3 में संतत है और खुला अंतराल 2, 3 में अवकलनीय है। ठीक है, चलिए मैं एक ही टाइप से आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, संतत अवकलनीय हो गया, तो यहाँ अब हमारा रोल्स थ्योरम का, मीन वैल्यू थ्योरम का तो प्रयोग कर सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, रोल्स थ्योरम के साथ से कह रहा है। चलिए, तो हम लोग रोल्स का ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए, F2, तो आप देख लो, F2 रखने पे आया है 0 और F3 रखने पे आया है 0, 3 भी रखने पे आया है 0। चलिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि F2 बराबर है F3 के, तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम के, यहाँ देख सकते हैं कि चूंकि FX रोल्स थ्योरम के सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। ठीक है, पूरा कर रहा है। चलिए, सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, क्योंकि fx बराबर में क्या है आपका, x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3। चलिए, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, तो यहाँ से f डैश x, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू में x माइनस 3 प्लस इसको वैसे ही रख देंगे x माइनस 2 और इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x माइनस 5, एफ डैश एक्स का वैल्यू 2x माइनस 5। चलिए, तो चूंकि आपको पता है रॉल्स थ्योरम एफ डैश सी बराबर 0, यानी कि 2c माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से c का वैल्यू 5 बाई 2 आ जाएगा ना, चलिए c का वैल्यू 5 बाई 2 आ गया। अच्छा, और चूंकि y बराबर आपके पास दिया है x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3, तो यहाँ से आप 5 बाई 2 रख दो x की जगह, 5 बाई 2 और यहाँ पे 5 बाई 2 माइनस 3। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अंदर आपका एलसीएम ले लेंगे 2, तो 5 माइनस 4, और यहाँ भी एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ 5 माइनस में 6, यही ना होगा आपका, सॉल्व करो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 और यहाँ आएगा माइनस का 1/2, यानी कि माइनस का 1/4 वाई का मान आ गया। तो हमें जो अभीष्ट बिंदु चाहिए था, अभीष्ट बिंदु भी निकल गया। अभीष्ट बिंदु आपका क्या होगा, तो x का मान यानी c का मान 5/2 है और यहाँ y नियामक जो है माइनस का 1/4। तो सेम ही क्वेश्चन है, इजी है, सारे बन जाएंगे आपसे। देखो ना, क्वेश्चन नंबर 22 भी इजी है, आप बना ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे y बराबर दिया हुआ है, एक बिंदु दिया गया है जहाँ स्पर्श रेखा इतना और इतना को मिलाने वाली चापकर्ण के समांतर है। यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम की बात करना है, मीन वैल्यू थ्योरम से आपसे बन जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारे बन जाएंगे इसमें क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था ना आपका, कौन सा बताया था, इसके पहले 20 नंबर बताया था, सेम इसी टाइप का था, बन जाएगा आपसे। चलिए, अगला क्वेश्चन तब 23 नंबर देख लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रॉले के प्रमेय का प्रयोग करके साबित करें कि समीकरण ax³ bx² + cx + d = 0 के किन्हीं दो भिन्न वास्तविक मूलों के बीच समीकरण 3ax² + 2bx + c = 0 में कम से कम एक वास्तविक मूल होगा, यह हमें साबित करना है।
चलिए देखते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे इसे मान लेता हूँ, माना एफ एक्स बराबर में इसको मान लेता हूँ, यहाँ पे एक ए एक्स क्यूब है ना जी, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, ठीक है, इसे मैं एफ एक्स मान लेता हूँ और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से हमारा एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस में टू बी एक्स प्लस में सी, यही ना आएगा। तो यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं कि इसलिए एफ एफ डैश एक्स एक्स के सभी मानों के लिए, आप एक्स का कुछ भी रख सकते हो ना, सभी मानों के लिए परिभाषित है। अच्छा सभी मानों के लिए परिभाषित है, अतः एफ एक्स जो आपका फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स यानी कि यह एफ एक्स एक्स के किसी भी मान के लिए अवकलनीय है। और जब किसी भी मान के लिए अवकलनीय है, इसलिए एफ एक्स एक्स के सभी मानों के लिए सभी मानों के लिए संतत है। अच्छा जब अवकलनीय है तो वो संतत हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं, माना अल्फा और बीटा दो मूल है, यहाँ कह रहा था ना कि दो भिन्न वास्तविक मूल दिए गए हैं, अल्फा और बीटा दो भिन्न वास्तविक मूल है। अच्छा भिन्न वास्तविक मूल है किसके मूल है, तो जो आपका एफ एक्स बराबर एफ एक्स दिया हुआ है उसके लिए, एफ एक्स जो दिया है इसके भिन्न वास्तविक मूल है, जहाँ एफ एक्स बराबर में है जीरो, देख रहा है ना, ये एफ एक्स वैल्यू है और इसके बराबर में जीरो, मतलब इसके ये दो भिन्न वास्तविक मूल है। और जब दो भिन्न वास्तविक मूल है तो वहां पे ए एफ अल्फा यानी कि इसमें अल्फा रखने पर और एफ बीटा रखने पर दोनों कंडीशन में मान जीरो आएगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये फलन जो है संतत हो जा रहा है और अवकलनीय हो जा रहा है और एफ अल्फा एफ बीटा के बराबर हो जा रहा है, यानी कि ये रॉल्स प्रमेय के तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है ना। अतः एफ एक्स रॉले प्रमेय के सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, है ना। अतः अल्फा और बीटा हम लोग लिए है ना जी, के बीच कम से कम एक गामा ऐसा मिलेगा जहां एफ डैश गामा बराबर में जीरो, जहां एफ डैश गामा क्या हो जाएगा जीरो। तो एफ डैश गामा की बात करें तो एफ डैश एक्स जो आया है इसमें रख देंगे तो आ जाएगा ना, यानी कि हो जाएगा आपका थ्री ए एक्स स्क्वायर है तो वहां पे हो जाएगा गामा का स्क्वायर और प्लस में टू बी गामा और प्लस में सी बराबर में जीरो, यही ना होगा आपका। अतः यहाँ कह सकते हैं कि अतः समीकरण ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो के किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के बीच कम से कम क्या है समीकरण जो था उसको भी लिख लेता हूं, के बीच समीकरण क्या था जी, आपका समीकरण था थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, है ना, का
कम से कम एक वास्तविक मूल होगा, एक वास्तविक मूल होगा। क्लियर हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। माध्यमान प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि मोड में साइन अल्फा माइनस साइन बीटा जो होता है छोटा होता है या बराबर होता है अल्फा माइनस बीटा के। चलिए इसको केस के अनुसार बनाना होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखो, मैं यहाँ पे केस पहला ले लेता हूँ। मान लेता हूँ कि यह अल्फा जो है ना बीटा के बराबर है, अल्फा बीटा के बराबर है, तो यहाँ पर आपका साइन अल्फा माइनस साइन बीटा या अल्फा बीटा के बराबर है तो दोनों का वैल्यू सेम है यानी जीरो आ जाएगा, और यहाँ भी आप ये बराबर हो जाएगा जीरो के, अल्फा माइनस बीटा भी हो जाएगा ना। चलिए केस दूसरा, ये हम लोग बराबर माने हैं तब हुआ, जीरो हो रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। अच्छा केस दूसरा मानते हैं अल्फा जो है बीटा के बराबर नहीं है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा बीटा के बराबर नहीं है केस दूसरे में। अच्छा तो जब अल्फा बीटा के बराबर नहीं है तो हम यहाँ मान लेते हैं कि अल्फा जो है बीटा से छोटा है, अल्फा जो है बीटा से छोटा है, और फिर जो फंक्शन है यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स बराबर, इसको देखते हुए साइन एक्स, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स। अच्छा जब यहाँ देख रहे हैं एफ एक्स बराबर में साइन एक्स है और एफ डैश एक्स जो कॉस एक्स हो रहा है, तो यह फंक्शन जो है आपका संतत हो रहा है और अवकलनीय भी होगा किसी भी मान के लिए, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ एक्स एक्स के सभी मानों के लिए संतत और अवकलनीय है। एफ एक्स जो है देख रहा है ना, साइन एक्स है तो साइन एक्स तो सभी मानों के लिए संतत होगा और अवकलनीय होगा, ये तो हमें पता है पहले, हम लोग जानते हैं ना जी। चलिए अब इसके बाद जब यह संतत है और अवकलनीय है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः अंतराल हम लोग ले लेते हैं अंतराल अल्फा और बीटा में मीन वैल्यू माध्यमान प्रमेय से कम से कम एक सी मिलेगा जहां सी कहां होना चाहिए, तो इस अंतराल यानी अल्फा और बीटा के बीच में सी लाई करेगा कम से कम, क्योंकि देख रही है संतत भी हो जा रहा है और अवकलनीय, संतत और अवकलनीय हो गया तो एक बिंदु आपको सी ऐसा मिलेगा जहां इन दोनों के बीच वो लाई करेगा ताकि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एफ बीटा माइनस एफ ए की जगह पे यहाँ अल्फा है और बटा में बी माइनस ए यानी कि बीटा माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा एफ डैश सी ना, मीन वैल्यू थ्योरम से ही ना होता है जी। चलिए अब इसके बाद देखो एफ बीटा का वैल्यू, तो एफ एक्स जो है आपके पास क्या था, तो एफ एक्स बराबर आपका साइन एक्स था, तो यहाँ अल्फा रखोगे तो अल्फा हो जाएगा और बीटा रखोगे तो बीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा और बटा में बीटा माइनस अल्फा बराबर एफ डैश सी का वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ देखो कॉस सी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे इसको पहले पलट लेता हूँ, जो कि आपको प्रूव करना है, तो उसमें साइन अल्फा पहले है बीटा बाद में, तो इसको पलट लेता हूँ, साइन अल्फा और यहाँ पे साइन बीटा। एक्चुअल में मैंने क्या किया कि ऊपर से माइनस कॉमन किया और नीचे से भी माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस माइनस हट गया और बराबर में कॉस सी। अब दोनों तरफ मोड लगा देते हैं, यहाँ से हो जाएगा मोड के अंदर में साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बटा में अल्फा माइनस बीटा बराबर मोड के अंदर कॉस सी। चलिए अब देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अलग अलग मोड लगा देते हैं और बटा में आपका अल्फा माइनस बीटा, इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं इसके मान की बात करूं तो आपको पता है कि कॉस में कोई भी वैल्यू जो होगा, अगर मोड के अंदर है कि कॉस सी मोड के अंदर है, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 और 1 से छोटा आएगा, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 और 1 से छोटा, इसको हटा के 1 और 1 से छोटा कर दिया, आपको पता है। चलिए ये जाके उधर गुना करेगा, तो यहाँ मोड के अंदर साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा
बराबर सॉरी इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मोड के अंदर अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपका सत्यापित हो गया, हमने इसको दिखा दिया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया पूरी अच्छी तरीके से। प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।